नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी के बारे में कौन नहीं जानता। दिलीप कुमार ने खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा हमेशा ही होती रहती है कि सायरा बानो खुद 8 साल की उम्र से दिलीप कुमार के प्यार में पागल थी। दोनों का प्यार तो मुकम्मल हो गया, लेकिन दिलीप कुमार और सायरा की एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल इन दोनों को कभी औलाद का सुख नहीं मिला। सायरा बानो के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसके बाद वो कभी मां नहीं बन पाई। साल 1964 वो दौर था जब सायरा का करियर बुलंदियों पर पहुंचा था। वो हिंदी फिल्म सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में जानी जाने लगी थी। साल 1966 में उन्होंने खुद से उम्र में काफी बड़े अभिनेता दिलीप कुमार से शादी कर ली। सायरा उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी, जबकि दिलीप कुमार 44 साल के थे। दोनों का प्यार तो बेहद गहरा था, लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार कभी माँ बाप नहीं बन पाए। दिलीप कुमार ने कुछ वक्त पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र करते हुए इसकी वजह भी बताई थी। उन्होंने बताया था कि साल 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तभी उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की भी परेशानी हो गई। उस समय उनका 8वां महीना चल रहा था। उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्जरी करना भी संभव नहीं हो पा रहा था, और इसी बीच दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद से ही सायरा दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। इसको लेकर देश विदेश के कई डॉक्टर्स से सलाह मशवरा भी किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में हो ही नहीं, कितनी भी कोशिश के बाद वो मिलता नहीं है। सायरा बानो से शादी के 14 साल बाद जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तानी लेडी आसमा रहमान से दूसरी बार निकाह किया, तो वो फिर से चर्चा में आ गए। तब ऐसी खबरें थी कि सायरा मां नहीं बन सकती थी, इसलिए दिलीप साहब को दूसरी शादी करनी पड़ी। हालांकि लगभग 2 साल बाद ही उनकी दूसरी पत्नी से उनका तलाक हो गया और दिलीप कुमार फिर से सायरा के पास लौट आए। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी को 54 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों का प्यार आज भी उतना ही गहरा है।